मॉइस्चराइजर चूज करना, वो भी स्किन वाइटनिंग मॉइस्चराइजर या क्रीम, बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, ऑयली होती है या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली होती है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एई नेचुरल्स की रूप सुंदर स्किन वाइटनिंग क्रीम, जो दावा करती है कि 10 दिन में आपकी जो स्किन है इम्प्रूव हो जाएगी, पिगमेंटेशन रिड्यूस हो जाएगी, डार्क स्पॉट्स कम हो जाएंगे, आपकी स्किन का टोन इम्प्रूव हो जाएगा, साथ ही साथ आपकी स्किन में अगर स्कार्स वगैरह हैं तो वो कम करेगा। नाउ दिस इज डे एंड नाइट क्रीम, ये क्रीम है स्किन वाइटनिंग क्रीम, डेली पर्पस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने 10 दिन यूज़ किया है और इस वीडियो में मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी, 10 दिन मैंने कब लगाया है और किस तरह से लगाया है, मीन्स CTM से पहले बाद में, सब डिटेल मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। साथ ही साथ आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि किस तरह से मेरी स्किन में इम्प्रूवमेंट आई है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ में दिए गए बेल बटन को भी दबाएं। नाउ फ्रेंड्स, ये है एई नेचुरल्स का रूप सुंदर 30 ग्राम का ये क्रीम है। सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स जान लेते हैं। ये आपकी स्किन टोन को लाइटर करता है, पिंपल्स को रिड्यूस करता है, एक्ने को रिड्यूस करता है, डार्क सर्कल्स एज स्पॉट्स को कम करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चर देता है, आपके अनइवन स्किन टोन को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ पिगमेंटेशन और मार्क्स को भी कम करता है। इतना सारा दावा ये देता है बेनिफिट्स, ये कहता है कि आपको इसको यूज़ करने से मिलेगा। इस क्रीम के जो मेन इन्ग्रीडियंट्स हैं वो है ग्लिसरीन, बीज वैक्स, ऑलिव ऑयल, एलोवेरा जेल, कोजिक एसिड एंड विटामिन ई। कोजिक एसिड जो है बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट होता है आपकी स्किन केयर के लिए, और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स इसमें है, ऑलिव ऑयल, एलोवेरा जेल, वो तो हम सब जानते ही हैं कि किस तरह से ये अच्छे होते हैं। नाउ फ्रेंड्स, ये जो पैक है ये 30 ग्राम्स का है और इसका प्राइस है 500 रुपीज़। इसके परचेजिंग लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगी, और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो इसकी जो ऑफिशियल साइट है aenaturals.in, उस पर आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं कूपन कोड के साथ। कूपन कोड भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप चेक कर सकते हैं। जिसका टेक्सचर इस तरह से है, जिस तरह से किसी क्रीम का होता है, जनरली जो कॉम्बिनेशन या ऑयली स्किन वाले जो होते हैं वो कोई भी वाइटनिंग क्रीम यूज़ करने के लिए हिचकिचाते हैं, क्योंकि इसका जो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं क्रीम बेस्ड है, और अगर आपकी ऑयली स्किन है, क्रीम बेस्ड अगर आप और क्रीम अपने ऊपर लगाएंगे तो समटाइम्स इट हैपन्स कि वो चिपचिपी सी लगती है या फिर थोड़ी देर बाद पसीना आने लगता है। बहुत सारी क्रीम्स मैंने ट्राई की हैं बिकॉज आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन, एंड ये जो क्रीम है इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं लगेगा, साथ ही साथ इसको लगाने के बाद आपको पसीना नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे मॉइस्चराइज़र होते हैं जिनको लगाने के बाद आपको पसीना आता है हल्का फुल्का, उसके बाद वो नॉर्मल होता है, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छी लगी, माइल्ड फ्रेग्रेंस है, और इसका टेक्सचर क्रीमी है बट इट एब्जॉर्ब्स वेरी नाइसली, आपके फेस के ऊपर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। और इसको आप दिन में 2 बार लगा सकते हैं, सुबह नहाने के बाद आप इसको लगाएं और उसके बाद अपना CTM कर लें। जनरली मैं पहले फेस वॉश करती हूँ, फेस वॉश के बाद टोनर यूज़ करती हूँ, टोनर यूज़ करने के बाद ये क्रीम यूज़ करती हूँ, और उसके बाद मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, और अगर मुझे मेकअप करना है देन आई गो फॉरवर्ड टू अप्लाई फाउंडेशन एंड ऑल। और डेली रूटीन में आप इस चीज़ को यूज़ करें, और रात को सोने के टाइम पर भी आपने फेस वॉश अच्छे से करना है, टोनर अच्छे से लगाना है। टोनर आप रोज़ वाटर का भी लगा सकते हैं, क्यूकुम्बर भी लगा सकते हैं, जो आपको सूट करता है आप यूज़ करें। अगर आपके एक्ने प्रोन स्किन है तो नीम तुलसी वाला भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे टोनर्स मैंने ट्राई भी किए हैं और आपके साथ शेयर भी किए हैं डिफरेंट वीडियोस में, आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद रात को आपने ये अप्लाई करना है और सो जाना है। 2 बार दिन में आप लगाएंगे, 10 डेज में आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखेंगे। मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम नहीं थी, बट आई स्टिल फील कि मेरी जो स्किन है वो क्लियर हो गई पहले से। अनइवन जो होती है, गड्ढे हो जाते हैं, स्मूथ नहीं होती है आपकी स्किन, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही साथ ये जो क्रीम है ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए अच्छी है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए ये बहुत अच्छी है, और सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको ट्राई कर सकते हैं। आई रियली फील कि इसकी फ्रेग्रेंस और इसका इफेक्टिवनेस अच्छा है, सो यू शुड ट्राई दिस। और इस रिजल्ट्स के लिए आपको 3 महीने यूज़ करना है, 10 दिन में विजिबल रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जब आप कंटिन्यू इसको 3 महीने के लिए यूज़ करेंगे।
सो आई वुड हाईली रिकमेंड टू यूज दिस बिकॉज यू नो मॉइस्चराइजर चूज करना वो भी स्किन वाइटनिंग मॉइस्चराइजर या क्रीम बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, ऑयली होती है या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली होती है। तो आई थिंक ये सुटेबल रहेगी सबके लिए क्योंकि मेरी स्किन ऐसी है कि अगर कोई मैं मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ जिसमें ऑयल बेस्ड उसका फॉर्मूला है तो मेरी स्किन पे वो सूट नहीं करता है जल्दी से। बट दिस वर्क्ड वेल, आई ट्राइड इट एंड आई हैव शोड यू। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करें। आगे मिलते हैं अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।